गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई सर, माय नेम इज आर्यन्द्रपाल गंगवार। आई टीच क्लास फोर्थ, लेसन 14, इंग्लिश रीडर, माय टीचर। इन दिस लेसन आई टीच यू टैलेंट ऑफ टीचर एंड पीपल रेस्पेक्ट द टीचर्स। हम इस चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि हमारा टीचर अध्यापक कैसा होना चाहिए, सभी शिष्यों को अपने टीचर का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसके बताए हुए रास्तों पर आगे बढ़ना चाहिए, उसकी आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। अच्छा अध्यापक वही होता है जो शिष्यों को अच्छा रास्ता बताए और अच्छे रास्ते पर अगले बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। अच्छा शिष्य वही होता है जो अध्यापक के बताए गए रास्ते पर अगले बढ़े। गुरु माता पिता से बड़ा होता है। पहला, पेरेंट्स बच्चे को जो है एक पालन पोषण करने वाला और जन्म देने वाला होता है, लेकिन जो शिष्य को जो अगले जो चलाने वाला होता है वो शिक्षक ही होता है। अच्छा रास्ता बताए या बुरे रास्ते पर चलाए, तो सबसे ज़्यादा जो महान वो होता है शिक्षक होता है। तो इस हम चैप्टर के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से आपको बताएंगे माई टीचर। पहले हम इसे रीड करते हैं, उसके बाद इस पोएम को लर्न करना है और आपको इसे देखना है, इस वीडियो को ध्यान से, और फिर इसे आपको सब्सक्राइब भी करना है। अंडरस्टैंड, हम इसे ज़रा बताते हैं। माई टीचर, आर टीचर इज ही हु न्यू सीड ऑफ नॉलेज। सो आर टीचर इज ही हु फील्स हैप्पी व्हेन हिज प्यूपिल्स ग्रो। आर टीचर इज ही हु इज ऑलवेज काइंड। ए टीचर इज ही हु सॉल्व्स द डाउट्स ऑफ पीपल्स माइंड्स। ए टीचर इज ही हु स्प्रेड्स ऑफ सीक्रेट्स ऑफ नॉलेज। अ टीचर इज ही हु अट्रैक्ट पीपल टू हिज कॉलेज। अ टीचर इज हु ट्रांसफॉर्म ए प्लांट इंटू ए ट्री। अ टीचर इज ही हु इनक्रेज हिज पीपल टू थिंक फ्री। अंडरस्टैंड, एक बार और रीड कर लेते हैं, एक बार और पढ़ लीजिएगा से। आर टीचर इज ही हु न्यू सीड ऑफ नॉलेज। सो आर टीचर इज ही हु फील हैप्पी व्हेन हिज पीपल ग्रो। अंडरस्टैंड, सब कुछ समझ आ रही होगी। आर टीचर इज ही हु न्यू सीड्स ऑफ नॉलेज। सो ए टीचर इज ही हु फील्स हैप्पी व्हेन हिज पीपल्स ग्रो। आर टीचर इज ही हु इज ऑलवेज काइंड। ए टीचर इज ही हु सॉल्व्स द डाउट्स ऑफ पीपल्स माइंड। आर टीचर इज ही हु स्प्रेड्स द सीक्रेट्स ऑफ नॉलेज। आर टीचर इज ही हु attracts people to his college. A teacher is he who transforms a plant into a tree. A teacher is he who increases his people to think free. Understand? हमने इस poem को, poem के माध्यम से हमने आपको तीन बार read कराया, राइट ना? इसे आप read करेंगे बार बार, जरा ये सभी पढ़ेंगे भैया बहन पीछे, फिर से इसके हम जरा पढ़ाएंगे, पढ़िएगा। A teacher is he who new seeds of knowledge sow. A teacher is he who feels happy when his pupils grow. Understand? इसे हम इसके थोड़ा सा बताते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन। A teacher माने एक, टीचर माने अध्यापक, इज ही हु एक अध्यापक वह है जो, अध्यापक कौन है, अध्यापक वह है जो न्यू सीड ऑफ नॉलेज सो,
न्यू माने नई नई, सीड माने होता है बीज, बीज सुना है बीज, किसी भी चीज का कोई बीज होता है ना। ऑफ नॉलेज सो, ऑफ नॉलेज माने जो ज्ञान दे, सो माने जो भी हम बीज जो बोते हैं, हम कहते हैं नई नई जो हम जो बीज बोते हैं, अनुकरण होता है बीज का, बीज का अनुकरण होने के बाद उसके बाद न्यू दोबारा से उसे क्या होती है जर्नेशन होता है उसका, होता नहीं जर्नेशन, और बीज जो है अच्छा बीज बोते हैं तो क्या होता है अच्छी खेत में उपज होती है, और क्या होता है अच्छी उपज होने के बाद वो अच्छा बहुत अच्छा हो जाता है, और होने के बाद बहुत अच्छी उपजाऊ वो उपज देने के बाद क्या होता है बहुत अच्छा उसमें अनाज पैदा होता है। इसी प्रकार अध्यापक यदि करें न्यू सीड ऑफ नॉलेज सो कि अध्यापक अगर नया नया ज्ञान दे, अगर अध्यापक शिष्य को कोई नया ज्ञान दे, नई जानकारी दे, नया ज्ञान दे, तो उससे क्या होगा नई पीढ़ी का निर्माण होगा, न्यू जनरेशन। न्यू जैसे जिस प्रकार से बीज जिस प्रकार से उगता है, नया बीज उत्पन्न होने के बाद एकदम मतलब बहुत अच्छा हो जाता नहीं होता, बहुत अच्छी पैदावार देता है, उसी प्रकार से अगर अच्छा यदि जो टीचर अच्छी तरह से पढ़ाएगा, अच्छी तरह से जो सब कुछ अच्छा बताएगा, तो वही टीचर अच्छा माना जाएगा, न्यू सीड ऑफ नॉलेज सो, जो अच्छा ज्ञान देगा और नई पीढ़ी का निर्माण करेगा। अंडरस्टैंड, ए टीचर इज हू, एक अध्यापक वह है जो कहना फील हैप्पी व्हेन ए पीपल ग्रो, जिसको क्या करें फील्स हैप्पी, जिससे क्या रहे हैं सभी से खुश रहें, खुशी का अनुभव करें, व्हेन हिज पीपल ग्रो, और क्या करें बच्चे, कह रहे वैन माने जब, हिज पीपल माने जो शिष्यों, ग्रो माने कहते हैं ग्रो माने अगले बढ़ना, उत्पन्न होना, मतलब अगले बढ़ते चले जाएं, अध्यापक ने पढ़ाया बच्चे को लर्न हो गया, शिष्यों को भैया बहनों को लर्न हो गया, और उन्होंने वो पढ़ा और एग्जाम में लेगा एकदम टॉप नंबर आ गए, उसे कहते हैं शिक्षा, कहते नहीं। तो अध्यापक कैसा होना चाहिए, जो अच्छा अनुभव करे, अच्छे रास्ते पर चलना बताए, अच्छे बीज का निर्माण करे, अच्छा बीज बोए, जैसा बीज बोए वैसा ये होगा कि जैसा पढ़ाएंगे बच्चा वैसे ही सीखेगा, शिष्य वैसे ही सीखेगा, तो वैसे सीखने के बाद जो है अच्छे रास्ते पर जाएगा और अच्छा वैसा ही अगले बढ़ते चला जाएगा। अरे फील हैप्पी, हमेशा क्या रहे खुशी का अनुभव करे, ऐसा नहीं कि सैडली, हमेशा खुश रहे, व्हेन हिज पीपल ग्रो, और अगले बढ़ते चले जाए। अंडरस्टैंड, ए टीचर इज हु, न्यू सीड ऑफ नॉलेज सो, ए टीचर इज हु फील हैप्पी व्हेन द पीपल ग्रो, ये ग्रीन लाइन में लिखा है। ए टीचर इज हू कि अध्यापक वह है जो नए नए नई नई पीढ़ी का निर्माण करे, नई पीढ़ी का कि पेरेंट्स ने क्या किया उसे घर आपको स्कूल भेजा, स्कूल किस लिए भेजा पढ़ने के लिए, तो उसे नई नई शिक्षा का नई नई तकनीकी का ज्ञान बताएं, नए नए टेक्निक से उसे पढ़ाएं, तो टीचर इज हू अध्यापक वह है जो बच्चे को क्या करें हमेशा हैप्पी, हमेशा खुशी का अनुभव दिखाए और शिष्य को अच्छे रास्ते पर चलना सिखाए, दिस इज द टीचर, वह मतलब ये टीचर कहलाएगा। तो हु इज द टीचर, वही टीचर है जो शिक्षक है जो कि अच्छे रास्ते पर बच्चे को चलना सिखाए और अच्छी रास्ते पर बच्चे को नॉलेज दे, अच्छा अच्छा ज्ञान दे, अपने सब्जेक्ट में हमेशा उसे कमांड्स हो, तो उसे टीचर क्या कहते हैं, गुड टीचर। तो कह रहे फील हैप्पी एंड पीपल ग्रो। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट रेड लाइन वाला पढ़िएगा। ए टीचर इज हु इज ऑलवेज काइंड, ए टीचर इज ही हु सॉल्व द टॉप्स ऑफ पीपल माइंड, सभी समझ गए। ए टीचर इज हु, अध्यापक वह है जो इज ऑलवेज इज काइंड, कैसा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, ना कि क्रूअल। कुछ क्रूअल होते हैं, क्लास में बैठ जाओ, कहते नहीं, नो दिस इज नॉट, क्या होना चाहिए, एकदम काइंड होना चाहिए, ऑलवेज हमेशा दयालु होना चाहिए, हमेशा दयालुता से भाव रखना चाहिए, छोटे भैया बहनों से तो बहुत प्रेम से बोलना चाहिए। तो कह रहे हैं इज ऑलवेज काइंड, हमेशा कैसे होना चाहिए, हमेशा दयालु रहना चाहिए। ए टीचर इज ही हु, एक अध्यापक वह है जो इज ऑलवेज काइंड, जो हमेशा क्या होता है, दयालु होता है। ए टीचर इज हु, एक अध्यापक वह होता है जो सॉल्व द डाउट्स ऑफ द पीपल माइंड, जो शिष्यों के मन में जो भी बात आती है या शिष्यों के मन में जो भी क्वेश्चन आता है जिस प्रकार का, उसको क्या कर दे, निसंदेह, डाउट माने निसंदेह, बिना किसी संदेह के उस समस्या का समाधान कर दे। शिक्षक से पूछा कि सर, किसी क्वेश्चन का आंसर पूछा कि बर्ड फ्लाई इन द स्काई व्हाई मैन कैन नॉट, कि क्या ये बताइए कि चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं, क्या मनुष्य आकाश में नहीं उड़ सकता, तो क्या किया टीचर ने, उसे डांट कर और उसे क्या कर दिया, बैठा दिया। नो, उसका उसे सलूशन बताना चाहिए कि क्यों 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 नहीं होना चाहिए, कि क्यों, क्योंकि जो है बर्ड्स के पंख होते हैं, बर्ड्स हैव विंग्स एंड टीचर हैव नो
लेकिन उसके क्या होता है, उसमें वेट कम होता है, एंटी मैन में वेट अधिक होता है, ऐसा नहीं। लेकिन वर्ड्स का अपना अलग पावर स्ट्रेंथ है, मनुष्य के अंदर अलग है। इसलिए यहाँ क्या कहने का तात्पर्य यह है कि जो है टीचर, कोई भी बच्चा अगर किसी प्रकार का कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, इंग्लिश का क्वेश्चन हो, उसके तुरंत जो है अगर अध्यापक बच्चे ने स्टूडेंट ने पूछा व्हाट इज दिस, तो आपके हाथ में पेन है, बच्चे ने कहा सर व्हाट इज दिस, तो हमने तुरंत बता दिया दिस इज ए पेन। उसने कलर पूछा, ये कौन सा ये कलर, कलर का नेम पूछा, रेड है तो रेड बताओ, ग्रीन है तो ग्रीन बताना चाहिए। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य यह है, कहने का ये एक्सप्लेन ये है हमारे कि टीचर वह है जो हमेशा दयालु होना चाहिए, और जो भी शिक्षक से जो भी स्टूडेंट कोई बात पूछे भैया बहन, तो उसकी समस्या का हमें तुरंत समाधान करना चाहिए। हमें उसके माइंड में जो भी उसके क्वेश्चंस आया है उसको तुरंत उसे पुटअप करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन है उसको तुरंत हमें सॉल्व करना चाहिए। अंडरस्टैंड, दिस इज ए टीचर, दिस इज ये टीचर है, ठीक है, वो टीचर है। ये जैसा कि इसमें बताया, ये अध्यापक पिक्चर में देखिएगा, ये टीचर हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये भैया बहनों को पढ़ा रहे हैं। ए टीचर इज ही हु स्पिरिट्स ऑफ द स्किल्ड ऑफ नॉलेज, ए टीचर इज हु एस्ट्रैक्ट पीपल ऑफ हिज कॉलेज। अध्यापक वह है जो, जो क्या हो कह रहे हैं, स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ नॉलेज, जो अपने सब्जेक्ट में, जो अपने विषय में क्या रखे, पूरा ज्ञान रखता हो और उसकी नॉलेज को पहचानता हो, उसकी खुशबू को पहचानता हो, उसके ज्ञान उसे आता हो। मैथ का है तो मैथ के बारे में जानकारी होना चाहिए पूरी नॉलेज, इंग्लिश है तो इंग्लिश, प्रत्येक विषय के बारे में उसे क्या होना चाहिए, अपने विषय के बारे में हैं, सेंट और सेंट कहते हैं सेंट इसके मतलब खुशबू, उसकी खुशबू के बारे में या उसके बारे में पूर्ण उसे परिचित ज्ञान होना चाहिए। ये टीचर इज हु, अध्यापक वह है, अट्रैक्ट पीपल इज कॉलेज, जो अपनी ओर बच्चे को कॉलेज में जा रहा है तो कॉलेज में या कहीं भी अपनी तरफ खींचे। अपनी तरफ खींचने का मतलब ज़बरदस्ती नहीं, मतलब क्या, अपना ज्ञान बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए। कैसे, कि वो अध्यापक पढ़ाता है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो हमें, और उस तरह से जो उसका ज्ञान की ओर अपनी ओर खींच के लाए, उसे अध्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उसे टीचर कहते हैं। दिस हु कॉल्ड टीचर, हु कॉल्ड, जो टीचर पुकारा जाता है, कौन पुकारा जाता है, जो कि अपने अट्रैक्ट पीपल ऑफ हिज कॉलेज, जो अपनी तरफ कॉलेज में या कहीं पर भी हो जो अपनी तरफ को खींच के लाए। अंडरस्टैंड, ए टीचर इज हु, अध्यापक वह है जो अपना ज्ञान क्या करे, सबको बखेरे, और अपना ज्ञान ऐसा हो, उसके अंदर ऐसी खुशबू का ज्ञान हो, ऐसा ज्ञान हो जो अपनी तरफ बच्चों को खींच कर लाए, अपनी तरफ बच्चों को जो है अट्रैक्ट करे, उसे हम टीचर कहते हैं। ए टीचर इज हु ट्रांसफॉर्म ए प्लांट इन टू ए ट्री, ए टीचर इज हु इंक्रेज द पीपल ऑफ थिंक फ्री। करें टीचर इज हु, अध्यापक वह है जो करें ट्रांसफॉर्म जाते हैं, ट्रांसफॉर्म ए प्लांट इन टू फ्री ट्री, कि जिस प्रकार से प्लांट पौधा होता है, पेड़ होता है, जिस प्रकार से पौधा एक पेड़ बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लांट माने पौधा, इन टू ए ट्री किस में परिवर्तन हो जाता है, पेड़ में परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार शिष्य को भी, टीचर को, शिष्य को ऐसा परिवर्तन करना चाहिए कि एक शिष्य भी एक टीचर के रूप में परिवर्तन हो जाए। कैसे, कि इतना ज्ञान बिखेरना चाहिए कि वो एक बहुत अच्छा जो है ऐसी पीढ़ी का निर्माण होना चाहिए कि मतलब एकदम बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर बढ़ता चला जाए और नई कोई ना कोई नए आविष्कारक बन जाए, चाहे टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर, किसी भी लाइन में पहुँच जाए, लेकिन अच्छी जगह उसे चले जाना चाहिए। द ट्रांसफॉर्म ए प्लांट इन टू ए ट्री, इस प्रकार से एक पौधा बनकर ट्री बन जाता है, बड़ा हो जाता है, ट्री बन जाता है, विशाल हो जाता है, उसी प्रकार शिक्षक भी एक शिष्य को ऐसा विशाल, ऐसा स्ट्रांग पावर कर देना चाहिए कि उसे भी कोई भी कठिन परिश्रम का कोई भी हो तो उसे कोई कठिन परेशान कोई भी हो, उसे परेशानी का सामना हो, उसे पार करता चला जाए। ए टीचर इज हु, अध्यापक वह है जो इंक्रीज हिज पीपल ऑफ थिंक फ्री, जो अपने विचार, जो अपना विचार जो क्या, इंक्रीज हिज पीपल, जो भी शिष्य, जो भी विचार हो उसके अंदर, बेमन से, बिना उससे, किससे, बिना विचार किए, बिना उसके निसंकोच के अध्यापक से पूछे, और कोई भी उसे जीवन में कोई भी समस्या हो तो उसे क्या हो, कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और करें इंक्रीज, मतलब करें कि इंक्रीज हिज पीपल, क्या हो, उसे प्रोत्साहित करे टू हिज पीपल, अपने शिष्य को, टू थिंक फ्री, कि जो है कैसे, थिंक माने विचार करे, फ्री माने फ्री मन से वो विचार करे, फ्री माने आज़ाद होकर अपना विचार करे, कोई भी अगर किसी उसके प्रकार को क्वेश्चन आ रहा है तो तुरंत उसे टीचर को उसे क्या करना चाहिए, सॉल्व
करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ टीचर के यहाँ बताया कि टीचर किस प्रकार के होना चाहिए। उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, खुश होना चाहिए, हमेशा कैसा होना चाहिए, हमेशा ऑलवेज काइंड, हमेशा दयालु होना चाहिए और निष्ठावान होना चाहिए। हमेशा किसी भी क्वेश्चन को तुरंत अगर क्वेश्चन पूछता है तो तुरंत उसे सॉल्व करना चाहिए। और उसको ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि अपने विषय में हमेशा कैसा होना चाहिए, एकदम नॉलेजवान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसके अंदर, एस्पेक्टेड होना चाहिए। टीचर ऑफ दी कैन अट्रैक्ट ऑफ कॉलेज, और अपने कॉलेज में ऐसा होना चाहिए टीचर शिक्षक को कि अपने कॉलेज में बच्चे को खींच कर लाए, ऐसा ज्ञान, ऐसा अट्रैक्शन होना चाहिए, ऐसा बच्चे के अंदर ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि बच्चा अपने आप स्वयं उस कॉलेज में रुक जाए। इंटर का बच्चा है, फर्स्ट ईयर हाई स्कूल का है, स्वयं उसे ऐसा नॉलेज होना चाहिए कि हमें जो शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं हम उस कॉलेज में जाएंगे। तो इस तरह का हमें शिक्षक होना चाहिए, ऐसा शिक्षक होना चाहिए जैसे कि ट्रांसफॉर्म द प्लांट ऑफ ट्री, जिस प्रकार से प्लांट के बाद ट्री बन जाता है उसी प्रकार से शिष्य को भी ऐसा होना चाहिए, ऐसे शिष्य का निर्माण करना चाहिए शिक्षक को कि वो जो है बड़े होकर किसी प्रकार से कोई परेशानी आए तो उसका सामना करे और कठिन से कठिन एग्जाम उसे क्रॉस कर ले, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ए टीचर इज हु इंकरेज द पीपल ऑफ थिंक फ्री, और बिना फ्री दिमाग से हमेशा वो क्या हो, साहसिक का सामना करे, साहस का सामना करे और प्रोत्साहित होता रहे, हमेशा ऐसा विचार होना चाहिए। अंडरस्टैंड, इस टीचर में हमने बताया इसमें शिक्षक के बारे में, और शिष्य को भी ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक का हमेशा क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमेशा जैसे पेरेंट्स का भी आज्ञा का पालन करना चाहिए उसी प्रकार से शिक्षक का भी आज्ञा का पालन करना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। रेस्पेक्ट जब दोगे टीचर को तभी आपको कुछ मिलेगा। अंडरस्टैंड।